दोस्तों रात के बज रहे हैं 12:30 और ये पाउडर लेने गया था मैं। जैन साहब ने हमें दिलवाया, दुकान खुलवा के क्यों जैन? और आज फादर्स डे है पर मेरे लिए कुछ नहीं हो रहा है। तो रचना क्या पढ़ रहे हो मैडम आप? अरे देखो जानो आपके लिए क्या भैया, आज ओरिएंटेशन डे था, मदर्स को बुलाया था बट मैं नहीं जा पाई। लास्ट एंड टाइम पे मालवीय जी जाके कुछ बुक्स दी है और ये इंस्ट्रक्शन है, हॉलीडेज लिखे हैं, सेलिब्रेशन वही जो बच्चों का टाइम टेबल लिखा है, टाइम टेबल का, हाँ टाइम टेबल और ये इंस्ट्रक्शंस हैं, वही लेबल करना है मास्क को, वाटर बॉटल, लंच बॉक्स। अब गीत की ये कंप्लेंट आई है कि कुछ टाइम से गीत डेली टिफिन में पराठे ही ला रही है, कभी सब्जी लाती कभी नहीं, क्योंकि मेरी तबीयत खराब थी तो दीदी पर मैं कुछ एक्स्ट्रा नहीं बना पाती, नहीं तो मैं होती तो फिर वेजिटेबल चाहिए। कहा था कि पहले तो लाती थी फिर 5-6 महीने से नहीं ला रही थी, तो अभी वही लास्ट टाइम से आखिरी में मतलब नवंबर से मान लो आप पराठे ही ले जाती थी, सब्जी बनती थी तो दीदी देती थी। हाँ, कभी कभी ले गई मैं थी तो फिर मैं आलू पराठा, पनीर पराठा या डोसा या ऐसी चीजें, फ्रूट्स अलग से रख देती थी। अब मेरे को आना, वापस से आना मेरे बच्चे। कहाँ गई थी आप? जो आना है मैं आउट ऑफ फॉर्म हो गई थी, अब तीनों बच्चों के लिए करना है, मुझे गीत का भी पूरा टाइम टेबल बना के। मेरे लिए? आपके लिए भी करूंगी ना जानू, नहीं करती थी जानू क्या कौन है? पहले करती थी, नहीं करती थी। अरे तो यहाँ कैमरे में फिर रोना शुरू कर देती यार, कैमरा देखते थे तो रोने आंसू बहने लगते। मेरे को बुरा बनाते हो। बुरा तो है ना यार, तू दिखने टाइम टेबल गीत लुक एग्जाम शेड्यूल देखो, फर्स्ट टाइम होगा आपका इधर, देखो गीत बहुत एग्जाम, गीत के बर्थडे के दिन ये क्या बात होती है। उन्होंने बोला कि इसकी छुट्टी के अकॉर्डिंग आप अपना समय, वो अपने इसके टाइम टेबल के अकॉर्डिंग आप अपनी छुट्टी कर लें, तो 11, 12, 13 ओ गीत आपकी छुट्टी के दिन एग्जाम आपके हिंदी का, वो भी उसका जिससे नफरत है आईज उसको बिल्कुल नहीं पसंद है। गीत आपका बर्थडे कब है बताओ? नो बर्थडे, उसको बर्थडे नहीं मनाना। नहीं मैंने मैडम को बोला, मैंने क्या क्या बोला वो बता देता। ऐसा क्या हुआ था लास्ट टाइम बर्थडे पे कि गीत इतना बर्थडे के डरी थोड़ा सा, आप लोग भी उस पे ध्यान देना क्योंकि इतना फियर हो गया, इतना फोबिया हो गया था उसको कि किसी बर्थडे में जाने को राजी नहीं हुई और रो रही थी बस। एक दूसरी चीज और होंगे पराठे वाले जवाब मैंने ये दिया कि हम जो ककुम्बर है या मस्क मेलन है या वाटर मेलन, आपने देखा होगा कि गीत बहुत पसंद करती है, मगर हम स्कूल में नहीं बेचते थे ये चीज़ें क्योंकि गीत की आदत है कि अगर एक चीज़ अगर सुबह खा ली तो दोपहर में या इवनिंग में वो रिपीट नहीं करती। हाँ, एक्चुअली गीत क्या मॉर्निंग में अगर पराठा खाती है तो फिर वो दिन में आके पराठा रोटी खाना मुश्किल हो जाता है उसके लिए, इसलिए हम टिफिन में दो पराठा बैठते कि दो वहां तो खा ही लेगी फिनिश करके आए, तो यहाँ आने के बाद दिन में हम उसे एक्स्ट्रा वाली चीजें दे सकते हैं, कुकुम्बर फ्रूट्स वगैरह, ऐसा उसका चक्कर है, फिर रात को रोटी दे सकते हैं, वो इसीलिए भेजते थे ये ना, यही बोला ना। हाँ, और दूसरा चीज दोस्तों, अगर एक दो सब्सक्राइबर के जो न्यू है उनके कमेंट आए थे कि दीदी आप तो बहुत हेल्दी हैं गीत क्यों नहीं है, तो मैं ये बता दूं कि गीत माता की कृपा से और न जाने लगे तो बहुत अच्छी डाइट है, टाइम टू टाइम खाती है, किसी चीज को बहुत कम ही मना करती है। और गीत इसलिए नहीं है क्योंकि हमारे जीन्स में नहीं है, आपने मेरी दीदी को देखा होगा बेटा, एक मिनट, मम्मी को देखा होगा, मेरे जीन्स में मोटापा नहीं, मैं बचपन से मोटी नहीं हूँ, ये मेरे हार्मोन से होने की वजह से हुए हैं, पीसीओडी जो हुआ तो धीरे धीरे वेट बढ़ता गया, वो तब ये बच्चे भी उतने नहीं होंगे मैं बता दूं, क्योंकि जीन्स ना मालवे जी के जीन्स में मोटापा है ना मेरे जीन्स, मतलब ऑटोमेटिकली जो बच्चे मोटे होते हैं वो जीन्स के कारण होते हैं। हाँ, ये कि ये बाहर का पिज्जा बर्गर या अनहेल्दी खाना शुरू कर देगी, तला उबला, वो मैं इसको पूरी वगैरह नहीं देती, बहुत रेयरली हमारे यहाँ बनती है, तो अगर वैसी चीजें ये खाने लगे तो ये भी शायद अनहेल्दी की वजह से वाला मोटापा आ जाए, मेटाबॉलिज्म नहीं है बस, नहीं शुरू से प्रॉब्लम, मुझे देख के लोग जज करते हैं, इसके हिसाब से तो बच्चे बहुत पतले हैं। चलो और क्या था, मैंने इसलिए बता रहा हूँ कि जो मैडम की तरफ से था वही आप लोगों की तरफ से भी, कान छिदवाएंगे तो हमने हल्के से गोल्ड पहनाएंगे और बस, और कुछ नहीं, और हमारे अलावा कोई लेने आएगा नहीं गीत को, आएगा तो हम बता देंगे, बस इतना था। तो नई नई बुक्स आई हैं, गीत एक्साइटेड है और गीत अभी से पढ़ना शुरू कर दिया, जैसे कि आप कल सिलेबस खत्म कर देंगे। सब पढ़ रही है गीत, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या हो रहा है, नोज, हाँ मतलब की स्मेल, ये क्या है, टोस, वेरी गुड यार मेरा बच्चा, माउथ, मेरा बच्चा वो समझदार है, बस मम्मी नहीं है उसकी समझदार। नमस्कार, आज बज रहे हैं 4, सुबह से मैं परेशान हूँ क्योंकि हमारे फ्लाइट में, हमारे मल्टी में 60 नंबर 607 का एक फ्लाइट है जिसकी सुबह 5 बजे से पानी बह रहा था, कोई पाइप फट गया था और वो ऑनर लकली कोई नहीं जानता था उनको, क्योंकि रिसेंटली
यहाँ के जो प्रेजेंट ओनर ने उनको सेल कर दिया था किसी और ओनर को, उनको ओनर कोई जानता नहीं, कहीं बाहर रहते हैं वो, कुबेत मुबेत में से इनकी नौकरी है। तो अब उनसे बात कर रहे हैं कहाँ है, बज रहे हैं चार, सुबह 5 बजे से पानी बह रहे, बहते 4 बजे, फिर हमने मजबूरी में, क्योंकि मैं सचिव हूँ तो इस सब में बिजी रहा, और फिर ऑनर की परमिशन के बाद हमको वो लॉक तोड़वाना पड़ा। ऑनर को परमिशन था, वीडियो रिकॉर्डिंग करी पूरी, और वो गीजर का पाइप था फट गया। तो आप सभी से, और ये पानी वो पाइप फटा है, नहीं लाइन मत कर लूंगा ना, ताकत लगाओ। एक बार ये देखा ना मोबाइल पास से निकालू। तो ये है भाई, यहाँ से जो गीजर का पाइप है ना ये फट गया है, तो इस वजह से यहाँ पानी फेंक रहा था। और एक्चुअली में इनके यहाँ अगर लाइट वगैरह होती तो वो भी खराब हो सकता था, चालू होती तो। और उस तरफ की दीवार में भी पानी की सीढ़न जाने लगी है। ये अच्छी बात है किस्मत से कि यहाँ कचरा जमा नहीं है, अगर यहाँ कचरा जमा होता ना तो पूरे फ्लैट में पानी भरा जाता। रिक्वेस्ट है कि ऐसा करें कि अगर आप कहीं जाते हैं फ्लैट 1 दिन 2 दिन 3 दिन छोड़ के, तो वॉल्व बंद कर दें जैसे हम करते हैं, गैस का पाइप बंद कर दें और MCB गिरा दें, क्योंकि कभी भी कोई भी हादसा हो सकता है, आप नहीं है, आपकी चाबी घर में नहीं है, आसपास किसी को नहीं देखे गए, तो फिर आपका फ्लैट का ही नुकसान होगा या आपके घर का नुकसान होगा। क्योंकि उनके पूरे दीवार पे सीढ़न आ गई थी, सुबह 5 बजे से कंटिन्यूसली पानी बह रहा है वही फुल स्पीड में, तो नुकसान हुआ। फिर लॉक तोड़ना पड़ा, वो नुकसान हुआ, नया लॉक लगाना पड़ेगा, तो और हम सब परेशान हुए, पानी वेस्टेज हो रहा था, तो इसलिए मजबूरी हमको कदम लेना पड़ा। ऑनर से परमिशन ली थी, उनसे आधार कार्ड और प्लस लिखित में ले लिया था हमने। ये ऐसा सेक्रेटरी काम करते हैं, समझे, अगर आपके यहाँ का सेक्रेटरी सही से काम नहीं कर रहा है तो उनको बताएं कि मालवी जी जैसे एक मेल सेक्रेटरी बने। चलो आगे काम करते हैं। जैसा आपको पता हम सुबह से बिजी थे, तो हमारे ही पड़ोसी राजेश जी, हमारे पड़ोसी मतलब हमारी टीम में कमेटी में, तो वो हमारे लिए लेकर आए हैं आज, जैसे क्या बोलते हैं, दाल वाफले, कड़ी दाल और थोड़े से चावल। तो उन्होंने कहा भाई साहब आप सुबह से परेशान होंगे, आप आपकी मिसिज वो दो आपको परेशान कर रही होंगी। वो अपनी वाइफ को लेकर घुमाने ले गए थे, वो मस्त अपने वाइफ के साथ घूमे हैं, वहीं उन्होंने बाहर लंच किया है, तो आपके लिए ले आए कि आप तो ले जाओगे नहीं अपनी वाइफ को। कैसे ले जा सकते हैं, उनको भी पता है दो बच्चे को टोकना ही बड़ा मुश्किल है। जाए दो बच्चों को टोके कि खाना खाने जाए, बैठे कौन खिलाए, एक हो तो बात अलग है, बड़ी मुश्किलें हैं जिंदगी, बच्चे रो रहे मेरे। तो दोस्तों दिन भर ऐसा जाता है, मतलब दिन रात एक ही लगते हैं, समझ ही नहीं आता क्या हो रहा है, कब सो रहे हैं, कब उठ रहे हैं, कब खा रहे हैं, कुछ समझ नहीं आता। अभी सभी अच्छे से नहा धो के तैयार हो गए हैं और कहीं जाना नहीं है, अपने आप को फील कराने के लिए तैयार हुए। और जैसे ही मैं आती हूँ ना नहा कर, या 5-10 मिनट होते हैं, मुझे इतनी तेज प्यास लगती है, मतलब कहते हैं पानी का काम पानी ही कर सकता है, और आज दिन भर पानी की रामायण हुई है। तो मैं मालवीय जी को कह रही थी अगर यही चीज गोकुलधाम में जेठालाल वाले सीरियल में हुई होती तो क्या कितने मजा आते। लेकिन फ्रेंड्स पानी के ऐसे वेस्ट नहीं करना चाहिए, मुझे भी दुख हुआ यार कि पानी पीने को नहीं मिलता है, इतने 5-6-7 घंटे इतना तेज प्रेशर के साथ फ्लो के साथ। तो दोस्तों रचना ने हिंदी की जगह इंग्लिश का पापा कर दिया, मगर पापा तो पापा ही चाहिए, तो ये पापा कैसा लग रहा है, पर इसके ऊपर मात्रा नहीं रहती है ना इंग्लिश, ये हाँ तो हम भी तो ए कह रहे हैं, हमने कब कहा पापा, बिगाड़ दिया रे मेरे बच्चे, आज जगह भी नहीं डूबे, गरीबी में आटा गीला। पर रचना तो पसीना पसीना हो रही है यार, रचना अरे यार अब क्या करें, पसीना बहुत 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 परेशान होती है रचना, इतना ढूंढा है अलमारी बना भी नहीं जाना। आज रचना अच्छी लग रही है, दिखा ना आपका पूरा कॉम्बिनेशन, कुछ था नहीं पहनने को, पर अच्छी लग रही है। जो भी महिलाएं थोड़ी सी वेट में ज्यादा हैं उनको ये सीखना चाहिए कैसे रचना मैनेज करती है, कैसे गंदा दिखना चाहिए, अच्छी लगती है बे, जब मजाक करते तब तो अच्छा समझते, जब अच्छा कहते तो मजाक समझते। तो दोस्तों ये तो पापा का पापा कहाँ ले गए, वो खाने लगे। नहीं खाए, चलो ये ड्रेस भेजी थी मेगा, हाँ ये ड्रेस भेजी थी, हाँ अभी ये ड्रेस भेजी थी मेगा त्यागी जी ने। और दोस्तों एक अच्छी बात है, आप सोच रहे होंगे आपसे बच्चे को कह रहे गीत तो हैप्पी फादर्स डे कहेंगी, तो एक अच्छी बात है माता रानी हमेशा ऐसे रही, गीत के फ्रेंड्स बन गए, उनके साथ खेल रही, तो हम बिल्कुल उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहते, अभी खेल रही है। हाँ। ये देखो गीत के ड्रेस खेल रहे हैं ये, लेकिन दोस्तों एक बात तो मेरे जो माता जी ने बताई मुझे, मतलब
गीत ऐसे ही जाती थी तो गीत दूसरों के खिलौने छीलती थी ये वो। अब क्या गीत के पास साइकिल है, वो साइकिल बाहर रखी हुई थी तो साइकिल के लालच, अब वो गलत मत लेना लेकिन ये सच है, बच्चे साइकिल के लालच में आते हैं और गीत की गाड़ी भी हम बाहर दे देते खेलने, तो उस लालच में वो उसको खिला रहे हैं। हाँ तो ऐसे ही दुनिया ऐसे ही चलती है, दुनिया नहीं ऐसे ही खेलते हैं बच्चे, नहीं तो किस लिए आएंगे खेलने तुम्हारे पास। आएंगे कि आप मतलब गीत की मम्मी अच्छा खिलाती है या गीत के और अच्छे खिलौने हैं, इसीलिए आते हैं यार। तो दोस्तों अभी मार्केट जा रहा था गीत का बैग लेने, गीत की बोतल वाटर बोतल लेने और गीत के जो बुक्स आई हैं उसके कवर लेने, मगर जहाँ पे एमपी में शिक्षा मंत्री ने आदेश दिया है ड्यू टू गर्मी कह लो या फिर वेदर चेंज हो रहा है, तो 1 जुलाई से अब स्कूल खोलेंगे, 19 तारीख से खोलने वाले थे जो कि पोस्टपोन। क्या हो गया, क्यों चिल्ला रहे बच्चे, क्यों चिल्ला रहे, गीत क्यों चिल्ला रही, टूट गया, क्या बात करो इतनी जल्दी, अटैच नहीं हो रहा ये बाबू चला रहे हैं, बाबू आराम से चला करो। गीत में तो इतना वजन ही नहीं है, तो गीत खेल नहीं पा रहे ना, वो ये गीत नहीं खेलती है ये बड़े बच्चे खेलते हैं। समझ है कि गीत बुलाती पापा पापा टूट गया जुड़ गया वाला जी, पर गीत नहीं चलाती, मैंने जैसा कहा ना गीतने की लालच में आते हैं तो वो बड़ी साइकिल चलाने आते हैं और थोड़े बड़े बच्चे हो, कम से कम इसी बारे दोस्त तो बनेगा, हम तो यही चाहते हैं। और आज फादर्स डे है पर मेरे लिए कुछ नहीं हो रहा, मदर्स डे होता तो केक आता, केक आता हैप्पी मदर्स डे लिखा है, हर बार आया इस बार मैंने ट्राई किया था इस बार भी, आप थी नहीं यहाँ पे। देखो भैया कपड़े बदल लिए फिर से, क्या है हैं? अरे वो स्लीवलेस ये भी है लेकिन वो थोड़ा वैसा वाला स्लीवलेस था, तो कैसा वैसा वाला रग पहनना पड़ा था, तो गर्मी लग रही थी, गर्मी लग रही थी, मैं नीचे घूमने जा रही हूँ इनसे बात से, ये तो हटा लो पापा को बना तो लिया बस हटाने में जान जा रही है, घर जाना है, घूमने जाना है, घर जाना घर में मुझे घबराहट होने लगती है, निकल रहा अभी दोस्तों 8 बज रहे हैं, जाओ फिर हमको जाना है पार्टी साड़ी, मतलब नींद जग रही है, फादर्स डे मनाने आएंगे ना हम बाहर। हाँ लगी ना भैया को, कोई बात नहीं है भैया बड़े हैं, नहीं लगी, चलो सीधे चलो सीधे लेके जाओ ना, सबको लगी तू आगे चल, तू अपनी बात कर। घूमने गई है और दीदी उठ गई है, तो दीदी उठते से रोती है, मम्मी ढूंढ रही है, पापा के पास रहती है, ये रीत नहीं रहती है, मीत पापा की आवाज़ सुनते ही से ही खुश हो जाती है, रीत की उतनी आदत नहीं है, वो हो सकता है एक मम्मी के ऊपर ज़्यादा प्यार करे, एक पापा के ऊपर ऐसा भी होना चाहिए ना यार। मेरे से खुश रहो, कौन है, पापा है। तो दोस्तों बाय, जिस दिन मैं घर पर रहता हूँ, नो 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 नो, क्या हो गया बेटा, पापा यही है ना, आपसे बात नहीं कर रहे, बस इससे बात करो, बातों नहीं दोनों, मी चुच्ची बात करती है कि बात ही नहीं, सॉरी बाद में मिलते। तो दोस्तों रात के बज रहे हैं 12:30 और ये पाउडर लेने गया था मैं, जैन साहब ने हमें दिलवाया दुकान खुलवा के, क्यों जैन साहब दुकान खुलवा के दिलवाया हमने हमको, 3 दिन हो गए, मैं आज संडे था ऑफिस गए नहीं यार, जैन साहब ने आज बहुत बड़ा काम किया है, मतलब वीडियो दुकान पे नहीं बनाया कि दुकान खुल रही है, अच्छा ही लगता आज रात को, पुलिस वाले डंडे मारते। दोस्तों समय आ गया गुड नाइट कहने का, तो इतनी रात को मुझे क्यों मेडिकल जाना पड़ा ये आपको बता दूं, क्योंकि मैं नीचे मीटिंग में गया था, रोज़ रात को 11 बजे के आसपास हमारे जो भी कमेटी हैं वो सब मिलती है दिन भर के, क्या काम हुआ या कल क्या करेंगे इसमें चर्चा करती है, तो इसलिए 11 बजे से 12:30-1 बजे जाते रहो, आइसक्रीम नहीं कॉफ़ी पीते वहाँ पे, डिस्कशन करते समय रोज का फिक्स हो गया है, जो कि रचना या और अदर जो बीबियाँ हैं कमेटी के मेंबर्स की उनको वो पसंद नहीं आ रहा है, सही भी है, 11 बजे जा रहे हैं 12:30 बजे नए लड़कों की तैयार अय्यासी करते हुए आ रहे हैं, पर कमेटी ऐसी काम कर रही है ना, वर्किंग है हम सब लोग, अब जैसे आपने देखा होगा कि जेठालाल और उनकी टीम मतलब कि भीड़े की टीम सोडा पीने जाती थी ना, तो ये तो मी टाइम है यार हमारा, पर अभी छोटे बच्चे हैं वो मी टाइम इतना नहीं होना चाहिए, कल नहीं गया था मगर मैं, तो दोस्तों चलो बाय करते हैं और वो
दवाई भी लिया है, लकीली मिल गई। तो ध्यान रखते हैं, ध्यान रखो अपना और सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो पता नहीं किस चीज़ का इंतजार कर रहे हो, प्लीज सब्सक्राइब कर दो। बाय, गुड नाइट, गुड नाइट। और आदि पुरुष देखी कि नहीं देखी आप लोगों ने? आदि पुरुष देखी तो आपने कौन सी दवाई अपने आंखों में लगाई जिससे आपको रिलैक्स या रिलीफ मिला होगा, कमेंट करके बताना। क्योंकि नेगेटिव इतने रिव्यू आ रहे हैं आदि पुरुष के, हनुमान जी को पता नहीं क्या बना दिया उन्होंने यार, और ऐसे ऐसे डायलॉग बना रहे हैं। रावण को तो ऐसा छपरी बना दिया है MC स्टैन की तरह, ये तो हो रहे। ऐसे लोगों को तो काला पानी दे देना चाहिए। चलो मिलते हैं, बाय।